नीट एग्जाम को क्रैक करने की, डॉक्टर बनने की खुजली तुम्हें हुई है, तो इसे मिटाने का काम कोई और कैसे कर सकता है? इस खुजली को भी तुम खुद मिटाओगे। सफलताओं को अपने सिर पर रखकर दूसरों को दोष देता है तो वो व्यक्ति ही हमेशा जिंदगी में असफल बना होता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाता है, अपनी सीढ़ी बनाता है, उन असफलताओं का विश्लेषण करता है और उन असफलताओं के विश्लेषण से, उन असफलताओं से देखिए, किसी काम को करने के लिए जब आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं और वो काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मौका भी मिल जाए, तो इसी को भाग्य कहते हैं। एक ऐसी जागृत अवस्था जिसमें आप किसी काम को पूरी लगन, पूरी मेहनत से करते हैं और उस काम के पूरा होने के बाद, उस काम का परिणाम, उस काम का रिजल्ट आने के बाद आप पछतावा नहीं करते, बल्कि अपने को पहले से और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चीज बहुत सिंपल है कि सफलता कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। ऐसा व्यक्ति है जो क्राइम के बेसिस पर पैसा तो बहुत ज्यादा कमा सकता है, पर वो उस पैसे का उपयोग कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उससे पहले उसका एनकाउंटर हो जाएगा इस चीज की कोई। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर नीट एग्जाम क्रैक करूंगा, ये सपना आज से कुछ समय पहले तुमने भी देखा था। जब किसी सपने को देखा तुमने है तो इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी खुद की होती है। नीट को क्रैक करना, डॉक्टर बनना, ये खुजली तुम्हें हुई थी तो इस खुजली को मिटाने का काम भी तुम खुद ही करोगे, कोई और आकर नहीं। ये जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी होगी। अपनी असफलता का दोष तुम अपने घर वालों को, अपने टीचर्स को या अपने दोस्तों को नहीं दे सकते। जब तुमने किसी एग्जाम में सफलता को हासिल किया था तो उसका पूरा क्रेडिट किसे मिला था? तुम्हें मिला था। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें बधाई दे रहे थे। तो अगर आज तुम किसी एग्जाम में असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, तो उसका दोष तुम दूसरों को कैसे दे सकते हो? तुम अपने पेरेंट्स को वो दोष कैसे दे सकते हो कि मेरी असफलता का कारण मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं या कोई और है? तो जिस तरीके से सफलता का क्रेडिट तुम्हें खुद चाहिए है, वैसे ही असफलता का कारण भी तुम खुद ही होते हो। वहां पर तुम्हें जरूरत होती है अपनी असफलताओं के पीछे के कारणों को जानने की, उसका विश्लेषण करने की। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपने सिर पर रखकर दूसरों को दोष देता है तो वो व्यक्ति ही हमेशा जिंदगी में असफल बना होता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाता है, अपनी सीढ़ी बनाता है, उन असफलताओं का विश्लेषण करता है और उन असफलताओं के विश्लेषण से, उन असफलताओं से सीख लेकर वो ऊपर चढ़ता है अपनी सफलता की ओर। अच्छा, मान लो तुम आज सफल होकर डॉक्टर बन भी जाते हो तो क्या कल तुम्हारे मरीज की, तुम्हारे पेशेंट की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी तुम खुद नहीं लोगे? तो अगर ये आदत तुमने डाल रखी है जिम्मेदारी ना लेने की, तो ये बड़ी ही गलत आदत है जो तुम्हें सफल होने के बाद भी असफल बनाकर छोड़ेगी। जिम्मेदारियां लेना सीखो, चाहे वो सफलता की हो या वो असफलता की हो। एक पंछी जब एक शाखा पर बैठा होता है तो शाखा के हिलने पर उसको डर नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास होता है। तो तुम्हें फिर अपनी ताकत पर विश्वास क्यों नहीं है? सफलता का क्रेडिट भी तुम्हें मिलना है और असफलता का कारण भी तुम्हें खुद को ही बनाना होगा और उनसे सीख लेनी होगी, उनका विश्लेषण करना होगा, ताकि एक दिन तुम सफलता तक। हमेशा लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, मेरा भाग्य खराब था, मेरा लक बहुत खराब चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भाग्य होता क्या है, ये लक होता क्या है। देखिए, किसी काम को करने के लिए जब आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं और वो काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मौका भी मिल जाए, तो इसी को भाग्य कहते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जब बचपन में हम अपने स्कूल जाते थे और वहाँ पर हमारी टीचर्स हमसे कहती थी कि कल आपको 20 क्वेश्चंस याद करके आने हैं, मैं 20 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे रैंडमली पूछूंगी, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आपको पिटाई लगेगी। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, घर जाते थे और रैंडमली 2-4 क्वेश्चंस को याद कर लेते थे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस को तैयार करना उनकी औकात के बाहर होता था। तो उन्होंने 4 या 5 क्वेश्चंस को याद कर लिया और ये सोचकर स्कूल जाते थे कि शायद उन क्वेश्चंस के अंदर से ही टीचर कोई क्वेश्चन को पूछेगी। और अगर ऐसा हो जाता था कि आप 5 क्वेश्चंस को याद करके गए, 20 में से 5 क्वेश्चंस को याद करके गए और टीचर ने उन 5 क्वेश्चंस के अंदर ही कुछ पूछ लिया और आपसे बन गया, तो इसे आप क्या कहते थे? भाग्य।
लेकिन सोचिए उसी क्लास में बैठा हुआ दूसरा स्टूडेंट जो 200 क्वेश्चंस को घर से पढ़कर आया है, याद करके आया है, और टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन को पूछेगी और उससे बन जाएगा, तो वो भी तो वहां पर भाग्यशाली मान सकता है खुद को। पर यहां पर अंतर है, एक छोटा सा अंतर है, आपने 20 में से 5 क्वेश्चंस को याद किया ताकि आपका भाग्य अगर साथ दे तो आप सफल हो जाए, लेकिन जिसने 200 क्वेश्चंस को याद किया उसने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया, अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और कोई भी क्वेश्चंस को पूछने पर उससे क्वेश्चन बन जाएगा, ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस उसको था, तो उसने अपने भाग्य को खुद बनाया। यही अंतर होता है भाग्य अच्छा होना, भाग्य बुरा होना, या अपना भाग्य खुद बनाना। तो जब किसी परीक्षा के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपने अपनी तैयारी को अगर पूरी तरह से किया है, तो वहां पर आप उस परीक्षा को पास तो कर ही लेते हैं, साथ में आप अपना भाग्य वहां पर खुद बना रहे होते हैं, यानी कि आप भाग्य के भरोसे नहीं। जिंदगी को होश पूर्वक जीना बहुत जरूरी होता है। मैंने क्या कहा? जिंदगी को होश पूर्वक जीना बहुत जरूरी होता है, और होश में रहने का मतलब केवल आंखें खुली रखना नहीं है, बल्कि होश पूर्वक जीने का मतलब है एक ऐसी जागृत अवस्था जिसमें आप किसी काम को पूरी लगन, पूरी मेहनत से करते हैं, और उस काम के पूरा होने के बाद, उस काम का परिणाम, उस काम का रिजल्ट आने के बाद आप पछतावा नहीं करते, बल्कि अपने को पहले से और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये सभी बातें जो मैंने आपसे कही हैं, ये सही हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं खुद नहीं लेता कि आपने मेरी बातों का मतलब क्या निकाला है। देखिए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं और जितने भी लोग असफल हैं, चाहे वो आप हों या मैं हूँ, हम सबको एक चीज़ बहुत कॉमन मिली है और वो है समय। एक दिन में 24 घंटे उस इंसान को भी मिले हैं जो सफलता की ओर जा रहा है या वो सफल हो चुका है, और एक दिन में 24 घंटे उस इंसान को भी मिले थे और मिल रहे हैं जो आज के दिन असफल महसूस करता है। तो समय जो है वो सबको बराबर मिलता है, बस उस समय का उपयोग कौन कैसा कर रहा है, कौन उस समय को वेस्ट कर रहा है, कौन उस समय का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस पे भी आपकी सफलता निर्भर करती है। एवरेस्ट पर या हिमालय पर हेलीकॉप्टर से ऊपर चढ़ने वाले लोग इतिहास को नहीं रचते, इतिहास रचने वाले लोग जो होते हैं वो हिमालय के बॉटम से चढ़ते हुए उसकी चोटी तक पहुंचते हैं और अपना परचम लहराते हैं। एक चीज बहुत सिंपल है कि सफलता कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रात भर में किसी चमत्कार से एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि सफलता को हासिल करने के लिए आपके पास एक बड़ा सा विजन होना चाहिए, आपके अपने बहुत सारे अच्छे सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों पर चलने की क्षमता होना चाहिए, और आपके पास पूरी मेहनत और लगन से काम करने का आत्मविश्वास भी होना चाहिए। अगर ये सभी चीजें आपके पास हैं तो एक लंबा समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये कोई बात नहीं होती कि अगर मैं किसी एग्जाम में, किसी एक अटेम्प्ट में अपने आप को सफल नहीं बना पाया तो इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी में असफल हो गया। जिंदगी में सफल होने का मतलब कोई एक परीक्षा नहीं है, जिंदगी में सफल होने का मतलब कोई एक पेपर नहीं होता जिसमें आपने अच्छे मार्क्स लाए या नहीं लाए तो ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में असफल हैं। जिंदगी सिद्धांतों पर चलती है और कई परीक्षाएं आपको अपनी लाइफ में देना पड़ेंगी, उन परीक्षाओं में आपको असफलता जरूर मिलेगी और उन असफलताओं के से मिलने वाली सीख आपको एक दिन सफलता तक पहुंचाएगी। जरूरी नहीं है कि मेरी बात से आप सहमत हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में करने के लिए आपके पास तीन ही रास्ते हैं, यानी कि तीन ऐसे रास्ते हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ बना सकते हैं। पहला रास्ता होता है आर्ट, यानी कि कला, और कला का मतलब मैं BA या MA कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं कि आपके अंदर एक ऐसा हुनर जो केवल आपके पास ही हो और किसी के पास ना हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर एक हुनर था, एक आर्ट थी जिसको दुनिया ने पहचाना और उन्होंने इस क्षेत्र में अपने आप को
बहुत ऊपर ले जाने का डिसीजन लिया और बहुत ऊपर पहुंच भी गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आर्ट हम सभी के अंदर हो, कोई हुनर ऐसा हम सभी के अंदर हो जो हमें हमारे करियर को बनाने में मदद कर पाए, गारंटी के साथ मदद कर पाए, क्योंकि ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। अगर आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड हुनर होगा तो आप इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लोगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है क्राइम, यानी कि क्राइम भी एक दुनिया में ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, बड़ा राजन, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने रातों रात क्राइम के बेसिस पर गलत हरकतें करके, गलत रास्ते पर चलकर अपने नाम को इस दुनिया में कुख्यात की तरह ऊपर लेकर गए और रातों रात बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस फील्ड की अपनी एक प्रॉब्लम है, क्राइम करने वाला व्यक्ति क्रिमिनल होता है, उसके पास पैसा तो बहुत कम समय में आ जाता है, लेकिन वो इस पैसे का उपभोग, इस पैसे का यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो आप और हम की तरह, हमारी तरह किसी चाट के ठेले पर खड़ा होकर पानी पूरी या वो चाट नहीं खा सकता, क्योंकि उसको डर रहेगा कि कहीं उसके क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से उस जगह की पुलिस उसको गिरफ्तार ना कर ले। तो क्रिमिनल ऐसा व्यक्ति है जो क्राइम के बेसिस पर पैसा तो बहुत ज्यादा कमा सकता है, पर वो उस पैसे का उपयोग कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उससे पहले उसका एनकाउंटर हो जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। और तीसरा, दुनिया का सबसे स्लोली चलने वाला जो प्रोफेशन है जिससे आप अपने आप को बेहतर करियर की ओर ले जा सकते हैं, जो गारंटेड प्लान है, वो है एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन इस दुनिया का एक ऐसा रास्ता है जो बहुत धीमे 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 चलता है। आप इसमें अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय का इंतजार करते हैं, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करते हैं, फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाइड करते हैं, फिर कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए फिर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जॉब मिल भी जाता है तो भी आपको अपने आप को एडुकेटेड बनाकर रखना होता है। तो एडुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत स्लोली चलता है, लेकिन ये गारंटीड है कि आप इस क्षेत्र में जितनी मेहनत करेंगे लाइफ आपको उतना देकर जरूर जाएगी। आप जैसी मेहनत करेंगे वैसा आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। तो मेरा कहना तो यही है कि आर्ट अगर आपके अंदर होगी, आपके अंदर हुनर होगा, तो वो इस दुनिया में पहचान लिया जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्राइम के क्षेत्र में जाने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास अब एक ही विकल्प है, वो है एडुकेशन। और इस क्षेत्र में आपको समय तो जरूर देना होगा, मेहनत भी बहुत करनी होगी, लेकिन आप जैसी मेहनत करेंगे, आप जैसा परफॉर्मेंस देंगे, आपको वैसा आउटपुट जरूर मिलेगा, आपको वैसी जिंदगी जरूर मिलेगी। अगर आप बेहतर मेहनत करेंगे तो आपको बेहतर जिंदगी मिलेगी, ये मेरी गारंटी करता हूं कि मेरी बातें आपके दिमाग में जरूर घुसी होंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, और मन नहीं है तो मत कीजिए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे इसी तरीके से हम बात करते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।